बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 8.5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे और इसके ऐसे यूनिट देखेंगे, ठीक है। और ये हम इसमें पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पे फ्यूजन भी है और यहाँ पे हम इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा, फ्यूजन पॉइंट भी आ जाएगा, तो ये एक ही है, तो ये दो नाम से आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जब मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, ग्राफ जब मैं आपको करवा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो स्टेट्स ऐसी आती हैं जिसमें ये वाली ऐसे दो स्टेट्स इसमें ऐसी थी जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। एक तो ये वाली स्टेट थी जिसमें स्टेट चेंज हो रही थी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, और दूसरा जो था वो ये वाला था जब हमारे पास स्टेट चेंज हो रही थी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो ये आज हमने जो टॉपिक्स पर बात करनी है वो तो एक तो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और दूसरा जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैं आपको बहुत आसान सी वर्डिंग में अगर बताऊँ, बहुत आसान सा बताऊँ, तो ये वाली जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम हीट ऐड करते हैं, हम हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। तो हमारे पास यही पार्ट है ना जिसमें स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसके बाद जो है वो हम हीट दे रहे हैं। ये तीनों बातें आ जाती हैं इसमें, तो ये तीनों बातें हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। इसका मतलब ये है कि ये जो वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इस तरह से ये वाला जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे हम ये कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन में वो ये कहते हैं कि हमारे पास स्टेट चेंज हो वाटर से स्टीम में या लिक्विड से स्टीम में, लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज हो रही है, इसको हम हीट भी दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और ये वाला जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और यहाँ से उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी इनकी समझ आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की और वेपराइजेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको इसी की डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी डेफिनेशन बताती हूँ आपको। हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब हीट एनर्जी रिक्वायर होती है सब्सटेंस को स्टेट में आने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में, स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि जीरो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। आप देखें, आपने जब वहाँ पे देखा था कि स्टेट चेंज हो रही थी लिक्विड से या सॉलिड से लिक्विड में, तो उसमें टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था लेकिन हम उसको हीट दे रहे थे, इस कारण लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस और हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको ड्राइंग करना है आपने, ये मेल्टिंग और फ्यूजन की डेफिनेशन है। अगर वो मेल्टिंग कहेंगे तब भी यही, और अगर फ्यूजन कहेंगे तब भी यही डेफिनेशन लिखनी है कि जब हम एक किसी भी सब्सटेंस को चेंज करते हैं किसमें सॉलिड से लिक्विड में हीट को ऐड करके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग को, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब ये डेफिनेशन आ गई है फ्यूजन पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, कि वो वाला टेम्परेचर जहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है यानी जीरो डिग्री पर अगर मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो वो हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और या फिर उसको हम बोलेंगे फ्यूजन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, व्हेन अब अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करें, रिवर्स करने का क्या मतलब है कि व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अब जब लिक्विड क्या है, कूल हो जाता है और वो किस में चेंज होता है, सॉलिड स्टेट में, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में तो वो हमारे पास उसका जिस पॉइंट पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में आता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हाउएवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सबके जो हैं वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस के सेम होते हैं जो कि उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको हीट कैपेसिटी की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन तो बता दी है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिनोट करते हैं HF से, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, F का मतलब है फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिनोट करते हैं HF से। अब HF जो है वो हमारे पास है डेल क्यू ओवर एम के, एम यहाँ पर मैस है और डेल क्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हीट, ठीक है।
यानी कि इसमें मैस हमारे पास कितना है और हीट कितनी है। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं इसका डेल क्यू एफ के लिए, यानी कि हीट की अगर हम बात करते हैं, हीट निकालें तो एम जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। ठीक है, आइस चेंज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 0.3.36 मल्टीप्लाई 10^5 के जाउल पर के जी। अब इसके यूनिट्स अगर हम देखें तो इसके यूनिट्स कैसे आएंगे, इसके यूनिट्स ऐसे ही है, हमारे पास क्या है डेल क्यू के यूनिट होते हैं जाउल और मैस क्या होते हैं के जी, तो ये बन जाएंगे जाउल पर के जी। इसका मतलब ये है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के यूनिट्स हमारे पास आ गए जाउल पर के जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, इसके बाद हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मैंने आपको बताया है कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह का ही है, लेकिन ये उसके उल्टा प्रोसेस है, यानी कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्टेट जो है वो चेंज होती है लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में, और यहाँ पर जो स्टेट चेंज होगी वो लिक्विड से गैस में होगी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर भी हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, वहाँ पर भी हमारे पास हीट हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पर भी हम हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कब आती है मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड से गैस में कब जाएगी बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट द चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि हीट की वो क्वांटिटी जो कि उसमें चेंज करवाती है लिक्विड को गैस में, कौन से पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने एच एफ से डिनोट किया था, यहाँ पे वेपराइजेशन है तो ये वी आ जाएगा एच वी। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही वाला फॉर्मूला है, और उसी तरह से हमने क्यू डेल क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और इसके यूनिट्स भी क्या होंगे सेम होंगे जो कि उसके हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हैं। ठीक है, तो इसके भी सेम होंगे, व्हेन वाटर इज हीटेड इट्स बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है कि जब वाटर को हम हीट करते हैं तो किस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर इस टेम्परेचर रिमेंस 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट इज चेंज कम्प्लीटली इंटू स्टीम। ये पूरे का पूरा जो है वो टेम्परेचर में जब तक इसका पूरा जो है वो स्टीम में चेंज नहीं हो जाता वाटर, तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू जो है वो ये है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज में आ जाती है, दिस इज़ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर, इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम वाटर जो है उसको कितनी हीट रिक्वायर है 2.26 × 10^6 हीट जाउल हीट टू चेंज इट्स कम्प्लीटली इंटू गैस, यानी कि 1 किलोग्राम मैस को इतनी हीट अगर हम उसको देते हैं तो उसको किस में चेंज कर देगी स्टीम में। द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे गिवन है। अब इसमें जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और टेबल याद करना होगा, टेबल में हमारे पास ये दो तो आपने जो मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया है, इसमें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं याद करने वाली, डेफिनेशन हैं, फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे यूनिट वगैरह हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी मेन चीज़ है वो है इसका टेबल याद करना है जो आप लोगों ने, इसमें टेबल में हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस गिवन है कुछ, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, हीलियम, लेड, मर्करी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, इनके कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और हीट ऑफ फ्यूजन है और हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, तो ये वाले जो है ये आप लोगों ने करने हैं, ये इसके दो दो करके कर लें या तीन या चार, इस तरह से ऐसे आपको इजी लगे वैसे ही कर लें, लेकिन ये पूरा टेबल करना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में अक्सर आते हैं पेपर में ये। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत आसान सा टॉपिक है ये भी, कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी टॉपिक पहले पढ़ा हुआ होगा और पहले की साइंस में भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो 8.7 है ये, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको आज वाला लेक्चर समझ आ गया होगा, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, इतना ही लेक्चर काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 8.7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।